नमस्कार, मैं पवन सिंह श्रीनेत। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यथार्थ भारत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी भारत के गुमनाम नायकों की कहानी की श्रृंखला से ली गई उस रोचक कहानी की, जो बहराइच के राजा सुहेलदेव द्वारा वीरता और चतुराई से लड़ी गई एक अद्भुत युद्ध पर आधारित है। हिंदुओं ने श्रावस्ती के राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में 1033 ईस्वी में बहराइच की लड़ाई में तुर्क अफगान युगल मुस्लिम सेना को पहली बड़ी और निर्णायक हार कैसे दी। यहां आक्रमणकारी कोई और नहीं बल्कि तानाशाह महमूद गजनी का भांजा और उसका दत्तक पुत्र सैयद सालार मसूद गजनी था। दोस्तों, सालार मसूद के बारे में सन 1620 में जहांगीर के शासनकाल में अब्दुल रहमान चिश्ती की लिखी पुस्तक मिराद मसूदी से हमें पता चलता है कि वह एक बहुत ही क्रूर शासक और एक धूर्त लड़ाका था। सालार पूरी दुनिया पर इस्लाम फैलाने के मकसद से जहां भी आक्रमण करता उसे बुरी तरह से लूट लेता था और तहस नहस कर सबको खत्म कर देता था। दोस्तों, सच्चाई यह है कि मुसलमानों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले छल बल के द्वारा ही सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदुओं ने आज के उत्तर प्रदेश के बहराइच में 1033 ईस्वी में हमलावर तुर्की और अफगानिस्तान के मुसलमानों पर एक शानदार जीत दर्ज की थी। महमूद गजनी ने अपनी लूटपाट की श्रृंखला में भारत को 17 बार लूटा और मुस्लिम जगत में बुत शिकन यानी मूर्ति विध्वंसक और गाजी यानी काफिरों के हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि उसने सैकड़ों प्रसिद्ध और कीमती हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट किया था, जिसमें सोमनाथ, थानेसर और मथुरा के महत्वपूर्ण मंदिर जैसे हजारों मंदिर शामिल थे। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले आक्रमणकारी सालार मसूद ने 1,00,000 से अधिक सैनिकों की एक बड़ी सेना के साथ चढ़ाई की थी, जिसमें पड़ोस के छोटे मुस्लिम राजा और पंजाब के मुस्लिम जनजातियों और खैबर पख्तूनवा की सेनाएं भी शामिल थीं। इस बार अंतर मात्र यह था कि सालार का अपने पिता की तरह लूटने का इरादा नहीं बल्कि पूरे भारत पर स्थायी कब्जे की योजना थी। इस उद्देश्य के साथ उसने गंगा घाटी की तराई के रास्ते से प्रवेश किया और बहराइच, जो कि आज के पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है, में अपना शिविर बनाया। वहां से उसने आसपास के हिंदू राजाओं को आत्मसमर्पण कर इस्लाम को अपनाने का संदेश भिजवाया। अब क्योंकि यह संदेश आत्मसमर्पण कर अपना राज्य सौंप देने भर के लिए नहीं बल्कि अपना धर्म ही छोड़कर एक मलेच्छ धर्म को अपनाने के लिए था, लिहाजा हिंदू राजा ऐसे दुस्साहसी संदेश से बहुत क्रोधित हुए और सालार को नर्क का द्वार दिखाने के लिए उतावले हो गए। किंतु उन सभी राजाओं में सबसे अधिक चिंतित होने वाला 19 साल का वीर पराक्रमी योद्धा और श्रावस्ती का राजकुमार सुहेलदेव था। श्रावस्ती साम्राज्य उस समय आज के सीतापुर से लेकर गोरखपुर तक फैला हुआ था। सुहेलदेव बचपन से ही एक साहसी, धार्मिक, भगवान एकलिंग का परम उपासक, एक अद्भुत साहित्यकार और युद्धभूमि में एक प्रखर रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध था। उनकी शस्त्र विद्या को लेकर अनेक मान्यताएं हैं। किसी में कहते हैं कि वह मुख्यतः भाला चलाने में बहुत निपुण थे। कुछ साहित्य कहते हैं कि वह तलवारबाजी और घुड़सवारी में अद्भुत रूप से कुशल थे, यहाँ तक कि वह दोनों हाथों से भी तलवारबाजी किया करते थे। कुछ इतिहासकार उन्हें प्रखर धनुर्धर भी कहते थे। उनके प्रभावशाली साहित्यकार होने का एक उदाहरण यह भी है कि उन्होंने सभी हिंदुओं योद्धाओं के भीतर उपजे क्रोध की भावनाओं को समझकर उन्होंने एक मार्मिक पत्र लिखकर उन्हें अपने साथ मिलकर लड़ने का आह्वान किया। उन्होंने लिखा कि बहराइच की पवित्र धरती पर एक विधर्मी मलेच्छ मुझे ललकार रहा है, महादेव की सौगंध मुझे उसकी चुनौती स्वीकार है, मैं अब भारत की धरती को पवित्र करने के लिए धर्म युद्ध का शंखनाद करने जा रहा हूँ, मैं भगवे की रक्षा के लिए अकेला युद्ध करूँगा, साथ ही मैं आह्वान करता हूँ उन हिंदू योद्धाओं का जो सनातन की रक्षा हेतु मेरे साथ इस महायज्ञ रूपी युद्ध में अपने रक्त की आहुति देना चाहते हूँ, या तो मैं यह युद्ध जीत लूँगा या भगवान एकलिंग की सेवा में वीरगति को प्राप्त हो जाऊँगा, और यदि मैं सनातन की रक्षा नहीं कर सका तो शायद भविष्य में कोई सनातनी अपने माथे पर तिलक नहीं लगा पाएगा, हिंदुओं के मूछों की पराक्रमी शान विधवा हो जाएगी, स्वतंत्र हिंदू शेर पिंजरे में कैद हो जाएंगे, राजपूतों की जिन तलवारों के भय से शत्रु थरथर कांपते हैं वह अपने मयारों में सदा के लिए सो जाएंगी। सुहेलदेव का वीरता से भरा यह हृदय स्पर्शी पत्र सभी राजाओं के मन को झकझोर दिया और वह सभी सालार मसूद के रक्त पिपासु राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में उसे जहन्नुम पहुंचाने के लिए श्रावस्ती पहुंच गए।
चतुर सुहेलदेव ने ऐसा ही आवाहन सनातन के कमोबेश सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों से किया था, जिसका नतीजा था कि बड़े ही दिलचस्प और हृदय स्पर्शी रूप से योद्धाओं का ये पूरा दल न केवल क्षत्रियों से बना था, बल्कि इसमें हिंदू समाज का लगभग हर वर्ग शामिल हो गया था। पासी जाति की सशस्त्र समूह से लेकर हिंदू समाज के सन्यासियों और धर्म अखाड़ों के संत सैनिकों की एक टुकड़ी भी शामिल थी, जो इस बार मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपने धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तत्पर थी। दोस्तों, यह था इस कहानी का पहला भाग। अब अगले भाग में हम देखेंगे कि युद्ध कैसे आरंभ हुआ।